लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है जो ये मैं बता रहा हूँ कि अभी भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। जी व्यूअर, मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो उन लोगों ने देखें, ये मेरा एयरपोर्ट, ये वहीं पर ही मिल गया, उसके अंदर ही, क्या नाम है, गाड़ी के अंदर ही था। खैर, ये बचत हो गई। एक ये छोटा सा, एक ये मेरा ख्वाबे का कैमरा जो है, ये तकरीबन $1200 का है। ये मेरी डिफरेंट चीज़ है, मेरी दवाई, इंसुलिन की पेंसिल है। अच्छा, ये और मेरा ये माइक वायर, और इस पाउच के अंदर था ये बैटरी, मैं टारगेट से लेके आया था। तो ये सारा का सारा सामान जो है ना, मैं दिखाना चाहता था कि किसी को उसके फेस पे जज ना करें, किसी की एथनिसिटी पे या किसी के उसके ऊपर आप जज ना करें किसी को। तो ये सारा सामान मुझे मिल गया है, तो हे नेकी करे आदमी, अगर अच्छा गुमान रखे तो अल्लाह पाक जो है ना, ऊपर वाला जो अच्छे फैसले करता है। तो एनी हाउ आई गॉट माय स्टफ बैक। तो मैंने कहा कि व्यूअर से मैं शेयर करूं कि क्या क्या सामान मेरा था। ये तकरीबन ये टोटल मिला के $1500 से $2000 का सामान है ये। तो किसी को उसकी शक्ल के ऊपर, उसके कलर के ऊपर उससे ना नफरत नहीं करनी चाहिए, मेरा ये पैगाम है। जी वीर, मैं ये फिलिपाइन जो भी कह लें, इनका एक शो था, फेस्टिवल था, सेलिब्रेशन का, और मैंने तकरीबन 18 मिनट की वीडियो बनाई है, बड़ी हमहमा के बनाई है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है जो ये मैं बता रहा हूँ कि अभी भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, अच्छे लोग अभी इस दुनिया में हैं। मैंने कैमरे सेट किए, आई वॉज सो एक्साइटेड कि आई विल मेक अ वीडियो विद टू कैमराज, DJI, वो मेरी जो वीडियो आप देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा, GoPro 10। तो आई जस्ट वॉन्टेड, क्योंकि वीडियो बनाते हुए आदमी कुछ थोड़ा सा जज्बाती सा हो जाता है कि अरे यार सेटिंग सारी हो गई है, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट। एनी हाउ आई लेफ्ट, जो दूसरी बराबर में गाड़ी थी उसके ट्रंक के ऊपर अपना बैग, मेरा छोटा सा पाउच होता है जिसमें सारे कैमरेज होते हैं, गिम्बल्स होते हैं, छोटे वाले स्टिक है, फोन स्टिक होती है, और मेरा फोन का जो आईफोन का जो एयरपॉड होता है, वो छोटा वाला, बड़े लंबे वाला नहीं, आई डोंट नो आजकल कितने का आता है। मैंने जैसे ही वीडियो वहाँ ख़त्म की, मैंने कहा चले अब कैमरे जो है रैप अप करता हूँ, रखता हूँ, है ना, मैंने कहा कैमरे जो है रैप अप करके अपने पाउच में डालता हूँ, तो देर वॉज नो पाउच, और मैंने कहा उस्ताद, एंड आई रिमेम्बर राइट अवे के व्हाट हैपेंड टू मी। जब मैं वहाँ पर गया तो दो कैरेबियन के थे, वो देवर फ्रॉम कैरेबियन, तो कहते हैं ना कि हर नेशन उनके ऊपर अच्छा खासा नाम बदनाम किया हुआ है कि द कैरेबियंस आर लाइक दैट, कैरेबियंस आर लाइक दैट। देवर टू गुड ब्लैक गाइस, आई बिलीव देवर जमैकन्स, वन वॉज वेटिंग, और दूसरा जो था वो सिक्योरिटी के पास गया हुआ था कि इस तरह। अच्छा, मेरी गाड़ी की चाबियां भी वहां पर, उसमें मेरी ट्यूटा CRV की, RAV4 की सॉरी, और ये गाड़ी जिसमें मैं हांडा CRV पे कर रहा हूँ उसकी चाबियाँ, एयरपार्ट, आई बिलीव, मुझे अभी एयरपार्ट श्योर नहीं है क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें एक दफ़ा साथ लेके चलता हूँ, आई विल गो इन माई रूम एंड आई चेक इट। लेकिन मेरा ख्वाबे का कैमरा जब मैंने लिया था वो तकरीबन $1200 का कैमरा था, P30 है, ये Pro 30 है, अनबिलीवेबल कैमरा। इस वक्त मैं iPhone 12 से बना रहा हूँ वो, और एक का छोटी मोटी चीज़ है गम वम, ये वो तुमने देखा, तो वो लोग जो थे वो इंतज़ार कर रहे थे, वन गाय वॉज वेटिंग देयर एंड द अनदर गाय वॉज वेंट टू द सिक्योरिटी टू रिपोर्ट, तो ताकि लॉस्ट एंड फाउंड के अंदर चला जाए। तो टोटल सामान वहाँ पर मैं $2000 का सामान, जज्बाती माहौल में मैं वहीं के वहीं छोड़ के आ गया, और आई एम ग्लैड, आई सैल्यूट देम एंड आई टोल्ड देम हे लुक स्टिल गुड पीपल आर अराउंड, मैंने उनका शुक्रिया। अगर मेरा एयरपोर्ट चला भी गया, आई डोंट ब्लेम देम व्हाटएवर, अगर वो अगर उनको उठाना होता तो वो सारी चीज़ें उठा लेते, वो एयरपोर्ट ही क्यों निकालते, तो उसका तो बेनिफिट ऑफ डाउट है।
हो सकता है कि मेरी टेबल पे पड़ा हो, लेकिन आई सल्यूट देम फॉर देयर ऑनेस्टी फॉर सेफ गार्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग माई प्रॉपर्टी ओवर देयर. क्योंकि चाबियाँ जो है ये आजकल जो ये चाबियाँ होती हैं इनकी हांडा वगैरह की या CRV की, $70-80 में तो चाबी बनती है, इसकी चाबी नहीं बनती है आम तरीके से. उसके अलावा घर की चाबियाँ और ये वो तुम है. तो एनी ऑबियर्स अभी भी कुछ लोग अच्छे लोग, क्या नाम है, क्या ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, इधर आता हूँ तो व्यू बहुत ही अच्छा लगता है मुझे. तो अभी भी देर आर गुड पीपल अराउंड. चलें व्यूअर, थैंक यू वेरी मच. मेरा शो ख़राब हो गया वहाँ पर, मुझे अभी टिकटॉक की, मैंने दो कैमरों से बना ली थी टिकटॉक की वीडियो, मैं आईफोन 12 से बनाता हूँ तो, लेकिन उस वक्त मेरे तोते ही उड़ चुके थे. इस उम्र में जो भाग के मैं वहाँ तक गया तो मेरी मुझे आज वॉक करने की ज़रूरत नहीं होगी. चले व्यूअर, लाइट भी आ गई है और आई हैव टू क्विट इट राइट हियर.